السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Safiuddin. And I'm your science teacher. Today we are going to start our new unit, unit number 4, Earth, Sun and Moon. Open your book at page number 44. Beyond the Earth. हम chapter number 4 जो start कर रहे हैं हम Earth, Sun and Moon उसमें first topic है Beyond the Earth. हमारा जो Earth है वो बहुत सारे planets का एक group है. मतलब हमारे 8 planets हैं जिसमें से अर्थ हमारा एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. तो हम वो सारे प्लैनेट्स नहीं देख पाते क्योंकि जो है हमें वो बहुत हमसे दूर है. हमारे जो यूनिवर्स है पूरा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम है उसमें जो है बहुत सारे स्टार्स भी हैं जो कि हम देख सकते हैं. 2500 स्टार्स मतलब 2500 स्टार्स देख सकते हैं हम एक जगह पे खड़े होकर. मतलब बहुत सारे हैं. और जो सन है वो सन जो है स्टार्स से छोटा है. स्टार्स बहुत बड़े हैं लेकिन सन हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे जो अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा सन करीब है और स्टार्स हमसे ज़्यादा बहुत दूर हैं. जो सन जो होता है हमें डे टाइम में ही नज़र आता है. क्यों? क्योंकि जो है अगर नाइट टाइम में हम देखेंगे तो हमें मून इसलिए नज़र आता है क्योंकि जो है हमारा जो अर्थ है वो स्पिन करता रहता है तो वो मूव कर चुका होता है जब नाइट टाइम होता है. तो इसलिए हमें रात को सन नज़र नहीं आता. सन जो है कि जैसे कि मैंने आपको बताया एक छोटा सा स्टार है लेकिन हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे से बहुत करीब है. लेकिन फिर भी वो स्टार्स के मुताबिक जो है सन छोटा है. लेकिन हमारे अर्थ एक अर्थ जो है इतना छोटा है कि यहाँ पर आप बता देख रहे हैं 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है लेकिन हमें इतना बड़ा दिखता है फिर भी. और बहुत सारे मिलियंस ऑफ अर्थ जो है उस सन में अकेले आ सकते हैं. इतना बड़ा है सन. वैसे हमें इतना दिखता है क्यों? क्योंकि वो हमसे 1.5 लाख मिलियन जो है किलोमीटर हमसे दूर है. बहुत इस वजह से हमें इतना दिखता है वरना बहुत बड़ा है सन कि हम उसको देख भी नहीं सकते. हमें चाहिए भी कि हम उसको डायरेक्टली सन को ना देखें क्योंकि हमारे आईज डैमेज हो सकती हैं. अच्छा सन के अंदर जैसे अर्थ जो है हमारी अर्थ में जो है अर्थ में मून में तकरीबन 100% नहीं तो तकरीबन 70% सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉलिड चीज़ें हैं. लेकिन अर्थ के अंदर जो है ना मुस्तकिल जो है ना रिएक्शंस होते हैं जैसे कि एटम बम जो है रिएक्शंस होते हैं. उसी के ज़रिए उसको हीट मिलती है और वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वो एक बहुत बड़ी जायंट बॉल है. बॉल देखा ना बॉल जो है कुछ बॉल जो है नरम भी होती है इनसाइड से. तो वो नरम होता है इनसाइड से सॉलिड नहीं होता. मुस्तकिल उसमें रिएक्शंस होते रहते हैं एटॉमिक बम की तरह जैसे आपको उन्होंने बताया है. तो इसलिए हमें वो हीट भी प्रोड्यूस होती रहती है और लाइट भी हमें उसी रिएक्शंस के बिना पे हमें दिखती है. अगर सन को देखा जाए तो वो 6000 सेंटीग्रेड इतना जो है हीट होता है. और अगर हम उसके अंदर का टेम्परेचर मालूम करना चाहें तो वो हो सकता है 60 मिलियन डिग्री सेल्सियस. क्योंकि अंदर का टेम्परेचर किसी ने अभी तक मालूम नहीं किया है या अंदाज़ा लगाया जाता है बिलीव किया जाता है. फिर भी हम क्या होता है हम सन को नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी होता है. हर वक्त वो शाइनी ही रहता है. एनर्जी फ्रॉम द सन. अच्छा सन नहीं होगा अगर तो जो अर्थ पे बिल्कुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी. लाइफ हो नहीं सकती क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल है हमारा वाटर और हमारा फूड जिसके ज़रिए हम जिंदा रह सकते हैं. वाटर अगर एवोपरेट नहीं होगा और बादलों में तब्दील नहीं होगा तो रेन नहीं होगी. अगर रेन नहीं होगी तो हमें फ्रेश वाटर पीने के लिए नहीं मिल सकेगा. तो ये एक वजह है कि इसके ज़रिए हम लाइफ नहीं हो सकती. दूसरी वजह ये है कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को हम ईट करते हैं और एनिमल्स भी ईट करते हैं उन एनिमल्स को हम ईट करते हैं. अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? और प्लांट्स किसके ज़रिए फूड बनाते हैं? सनलाइट के ज़रिए फूड बनाते हैं. अपना मिनरल सॉल्ट्स तो लेते हैं लेकिन सनलाइट भी बहुत अहम किरदार अदा करता है इनका फूड बनाने में. तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्या करें? एनिमल्स और हम जिंदा नहीं रह सकते. दी सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम एक जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्लैनेट्स का एक ग्रुप है जो कि सन के अतराफ ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है मुस्तकिल. तो जो है सोलर सिस्टम इज़ अबाउट 12,000 मिलियन किलोमीटर अक्रॉस द लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट इन दी सोलर सन. ये 8 किस्म की जो है यहाँ पर जो है क्या है प्लैनेट्स हैं जो कि जो है सन के अतराफ जो है 12,000 मिलियन किलोमीटर अक्रॉस जो है ऑर्बिट करते रहते हैं मुस्तकिल. जिसमें शामिल हैं जहाँ देख सकते हैं जो भी नाम होते हैं मरकरी वीनस अर्थ यूरेनस प्लूटो होता है. प्लूटो जो है क्या हुआ था? प्लूटो पहले हुआ करता था लेकिन प्लूटो अब 2006 में क्या हुआ क्लासिफाइड हुआ एज अ ड्रॉप प्लैनेट क्योंकि जो है उसकी कुछ वजूहत थी जो कि साइंटिस्ट अभी तक पता लगा रहे हैं कि प्लूटो क्यों जो है ड्रॉप प्लैनेट किया गया है क्योंकि प्लूटो का स्टेटस अब नहीं रह पाया. पहले 9 हुआ करते थे
प्लैनेट्स इस पूरे ऑर्बिट्स में, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये कम हो गया है। जिसमें से अब जैसे मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये सब जो है 8 किस्म के प्लैनेट्स हैं, और जिसपे सिर्फ लाइफ, जिस किस पे सिर्फ अर्थ पे लाइफ है और कहीं भी लाइफ है नहीं। क्योंकि जो है, जो जैसे मार्स है, मरकरी है, ये जो है ना, मार्स नहीं सॉरी, मरकरी जो है ये अर्थ के बहुत, सन के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है वो, क्योंकि वहाँ पर इस वजह से लाइफ नहीं हो पाएगी। और जो नेपच्यून और यूरेनस वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा दूर है सन से, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, तो यहाँ भी लाइफ नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो एक हमें पता चला है अर्थ का, है कि अर्थ पे ही ज़्यादातर लाइफ है। और बहुत सारे ऐसे जैसे और दो कुछ जो है यहाँ पर प्लैनेट्स है जहाँ पर देखा गया है कि जो है वहाँ पर हार्ड सरफेसेस हैं, वहाँ पर जो है लिक्विड ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पर लिक्विड ज़्यादा है और गैस ज़्यादा है। जैसे कि ये मरकरी, वीनस और मार्स में जो है रॉकी सरफेसेस हैं, बाकी दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर लिक्विड लेयर्स हैं, डीप लेयर्स हैं और गैसेस हैं, लेकिन वहाँ पर लाइफ नहीं हो सकती। अच्छा, एयर्स कैसे होता है? एक जो अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट होता है वो जो है लेता है 365 डेज लेता है, एक पूरा एयर होता है 365 डेज का, पूरे एक ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है ना, ये जो दिख रहा है आपको ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को पूरा घूम के वापस यहाँ आता है, एक साल लगता है, मतलब 365 डेज लगते हैं पूरे अर्थ की तरफ चक्कर लगाने में। उसी दरमियान क्या होता है, सीजन आते हैं, ऐसे ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, ये सीजन जो है इसी मूवमेंट के, जैसे फर्ज करें यहाँ पर है अर्थ हमारा, तो अर्थ का हो सकता है इस वक्त समर का सीजन चला, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ऑटम आ जाए, विंटर आ जाए, स्प्रिंग आ जाए, तो ये सारे जो है दिन जो है कवर होते हैं। अच्छा देखिए, जिस दिन सबका ऑर्बिट जो है अलग है, मतलब ये देखिए लास्ट वाला बहुत बड़ा है, तो इसको 365 डेज से ज़्यादा लगते होंगे। इसी तरह से जो सबसे आगे है मरकरी, सबसे छोटा उसका ऑर्बिट है, तो उसे कितना टाइम लगता है, मरकरी इज ओनली 88 डेज, 88 डेज में पूरे उसका चक्कर लगा लेता है। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी सीजन भी चेंज होते हैं, लेकिन ज़्यादा सीजन चेंज इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी ही रहती है, क्योंकि मरकरी सबसे ज़्यादा सन के करीब होता है, उसको 88 डेज लगते हैं कवर करने में पूरे ऑर्बिट को। ठीक है, एस्टेरॉइड्स और मेट्रोज और ये कॉमेट्स क्या होते हैं, ये एस्टेरॉइड्स वगैरह इस तरह की जो है पार्टिकल्स होते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स में से निकलते हैं, या फिर हमें जो है प्लैनेट्स भी कभी कभार रात के टाइम मूव करते हुए नजर आ जाते हैं। और जो आपने देखा होगा कि जैसे एक रात के टाइम आपको एकदम से नजर आता है ऐसे स्टार टाइप का कि टूटता हुआ कहीं जा रहा है, ये क्या होता है, ये कोई जो है प्लैनेट के पीसीज होते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं, तो वो जब अर्थ की सरफेस के अंदर आ जाते हैं तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचने लगती है, तो वो इतनी स्पीड से आता है कि वो एक जो है कोई वो बन जाता है, एक तरह का आग का गोला बन जाता है। और कहा यह जाता है कि जब डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हुए थे तो उस वक्त भी ऐसे ही कुछ हुआ था, कोई बहुत बड़ा रॉक का पीस अर्थ के एटमोसफेयर में आ गया था, तो उसने आके जमीन पे, जब वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आया तो उसने जमीन पूरी तबाह कर दी, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए। ये सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि कंफर्म अभी तक नहीं है कि डायनासोर एक्सटेंट कैसे हुए। कुछ लोग कहते हैं कि डायनासोर जो है कोई सुनामी आ गया था, मतलब सुनामी से मुराद कोई पानी का जलजला टाइप का आया था, जिससे पानी का जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजाज में आ गया था, तो वहाँ पर वो डूब के मर गए। हर किसी की थ्योरीज हैं, लेकिन कन्फर्म अभी तक नहीं है कि ये डायनासोर एक्सटेंट हुए कैसे। जहाँ तक बहुत सारे साइंटिस्ट चीज़ बताते हैं कि बहुत बड़ा स्टार था, वो बहुत बड़ा प्लेनेट का पीस था रॉक का, जो बहुत तेजी से यहाँ जमीन की तरफ आया तो सारी उसने तबाही कर दी। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इन पेजेस पे जो जैसे मैंने आपको बताया डे नाइट और सनसेट और सनराइज जो कैसे होता है। डे नाइट कैसे होता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं अपनी बुक में भी देखेंगे आप पेज नंबर्स पे, पेज नंबर 48 पे, कि जब ये जो है ये चक्कर लगाता है तो ये साथ साथ स्पिन भी हो रहा होता है, घूम भी रहा होता है अर्थ। तो ये क्या करता है, जब नॉर्थ पोल जो एंड है, जब वो सुबह, जब वहाँ पर रोशनी नहीं है, देखा अब यहाँ पर कौन कौन से हिस्से हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दरमियान, मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल में जो है यहाँ पर जो है ऐसा डे टाइम हो रहा है, और जो दूसरा इसका हिस्सा है वहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट टाइम हो रहा है। जब ये स्पिन कर जाएगा तो साउथ पोल नॉर्थ पोल में क्या होगा, रात नाइट टाइम हो जाएगा, और बाकी दूसरा एरिया था वहाँ पर वेस्ट में ईस्ट वगैरह में, वहाँ पर क्या होगा, डे टाइम हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरा एक चक्कर लगाते लगाते दिन रात जो है चेंजेस हो रहे होते हैं और डे नाइट फॉर्म हो रहे होते हैं। और सनराइज कैसे होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता, हमें तो महसूस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है बिल्कुल स्टिल है अर्थ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होता है सनराइज, जैसे सन नहीं आ रहा होता है हमारी तरफ, हमारी अर्थ जो है स्पिन हो रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सन हमें निकलता हुआ नजर आता है, तो वो क्या होता है, हमारा सन जो है घूम रहा होता है।
हमारा अर्थ घूम रही होती है, लेकिन सन अपनी जो है, सन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, सन अपनी स्टिल एक ही जगह पे रहता है। हमारा अर्थ जो होता है वो स्पिन करता है। इसी तरह से जो है शेडोज बनते हैं। शेडोज कहाँ कहाँ बनते हैं? जहाँ पर इस वक्त लाइट नहीं होती वहाँ पर शेडो, जहाँ लाइट दिख रही होती है डे लाइट होता है वहाँ पर शेडोज बनते हैं, जहाँ नाइट टाइम होता है वहाँ शेडो नहीं बनते हैं। और नाइट टाइम कैसे होता है? जब जो है जैसे मैंने आपको बताया अर्थ का वो हिस्सा जो चांद की तरफ चले आएगा वो हिस्सा वहां पर उस वक्त वहां पर नाइट टाइम हो जाता है। ये चेंजिंग सीजन, सीजन किस तरह से चेंज होते हैं? जैसे आप ये देखते हैं ये सन है, सन के अतराफ जो है अर्थ जो है राउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या हुआ जब यहाँ पर था सन, चले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब अर्थ जो है यहाँ से यहाँ पर तक मूव किया तो इसके दरमियान क्या रहा? ऑटम सीजन रहा। जब हम और इसके दरमियान अर्थ स्पिन भी गया, डे नाइट भी फॉर्म हो रहे थे। जब बस यहाँ पहुंचा, यहाँ से इसका शुरू हो गया विंटर सीजन, जो अभी है इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। हम विंटर सीजन हम इस स्पेस में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्पेस में है हम इस वक्त। तो यहाँ पर हम फर्ज करें हमारे जो इस वक्त जो मौसम है इसके मुताबिक हम यहाँ अर्थ हमारा यहाँ पर है इस एरिया पे है। तो जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे मिडल में बहुत सख्त सर्दी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम स्प्रिंग में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, स्प्रिंग सीजन में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। स्प्रिंग सीजन भी ऐसे होगा मिड तक बहुत जो स्प्रिंग सीजन होता है जैसा वैसा रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा गर्मी आना शुरू हो जाएंगी, समर सीजन आना शुरू हो जाएगा। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। या मिड में क्या होगा इसके समय अपने टॉप पर होगा, बहुत गर्मी होगी तो ये क्या होगा, इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है, फोर सीजन आते रहते हैं, सन के तरह चक्कर लगाते रहते हैं। अब विंटर यहाँ पर क्यों है, सर्दी यहाँ पर क्यों? क्योंकि देखते हैं यहाँ से जो है ये ऑर्बिट जो होते हैं ना ये थोड़े ओवल शेप के होते हैं, तो जब यहाँ समर के लिए यहाँ पहुँच रहे थे ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर सन से ज़्यादा करीब होता है क्या अर्थ, तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मी होती है, और यहाँ पर इसलिए ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ से दूर होता है बहुत। तो इस तरह से सीजन चेंज होते हैं, स्प्रिंग ऑटम आता है, पोलर क्लाइमेट एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर मुस्तकिल सर्दी ही रहती है। तो वो क्या होता है कि ज़्यादातर जब अर्थ स्पिन कर रहा होता है तो वो उसी उसी एरिया पे रहता है जहाँ पर सर्दी का टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर गर्मियाँ आती तो हैं लेकिन बहुत हल्की ही। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, सॉरी कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती क्योंकि ये जो एरिया होगा ये सन से थोड़ा करीब रहता है। अब हम पोलर अपर एरिया में चले जाएँ, साउथर्न एरियाज में चले जाएँ, वहाँ पर कहेंगे वो सर्दी ज़्यादा होती है क्योंकि वो जो एरियाज होते हैं वो सन से दूर होते हैं, इस वजह से वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है और हायर रीजन्स होते हैं वो, इस वजह से वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। और दिन भी आप देखा होगा दिन छोटे हो जाते हैं सर्दी में। दिन छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि जो है ना अर्थ जो है ना दूर होता है सन से, तो जैसे जैसे मूव करता है तो सन इतना दूर होता है कि वो अपनी जो है तपेश और अपनी गर्मी और अपनी लाइट जो है इतनी देर तक दे नहीं पाता कि अर्थ जो है मूव कर जाता है, दूर होता है। जैसे आप कोई वो बॉल लेंगे, आप बॉल जो है ना अर्थ एक लाइट से दूर रखें, अगर आप बहुत दूर रखेंगे तो देखेंगे जो शेडो है ना वो आप टर्न करेंगे ज़्यादा जल्दी बनेगा, और करीब रखेंगे शेडो जो है ज़्यादा देर से बने ज़्यादा जल्दी बनेगा। सॉरी बॉल में क्या होगा, जब आप शेडो दूर लेके जाएंगे जितना दूर लेके जाएंगे शेडो हल्का बनता जाएगा। तो क्या है सर्दियों में क्या है, शेडो हल्का बनता है सर्दी में, बहुत दूर होता है सूरज, जिसकी वजह से जितना करीब लेके जाएंगे मतलब समर में आते जाएंगे तो शेडो डार्क बनेगा, तो मतलब वहां पर उस वक्त रोशनी तेज पड़ी होगी। सन में और सोलर सिस्टम में भी कुछ इसी तरह के मामलात होते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉपी वर्क, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस टू बी डन इन द क्लास रो कॉपी। तो आज हम अपनी क्लास रो कॉपी में क्या क्या काम करने वाले हैं, हम जैसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, हम टाइटल पेज ड्रॉ करेंगे, हम असेंबली लाइंस करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, मैच द कॉलम्स और ट्रू फॉल्स वगैरह सारी चीज़ें करेंगे जो कि आपको वर्कशीट में भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सबसे पहले हम टाइटल पेज ड्रॉ करेंगे, चैप्टर नंबर 4 अर्थ सन एंड मून, ये टाइम टाइटल पेज अपने पास से ड्रॉ करेंगे, कॉपी में खूबसूरत सा ड्रॉ कीजिएगा। देन हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम, उन प्लैनेट्स के नाम बताइए जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। दीज प्लैनेट्स आर नेम्ड एज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 जो है
प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्स, आप स्टार्स के बारे में क्या जानते हैं। स्टार्स आर अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल्स ऑफ गैसेस, देयर आर मैनी मिलियंस मोर स्टार्स इन द स्काई, वी कैन सी अबाउट 2500 स्टार्स फ्रॉम एनी वन प्लेस। स्टार्स क्या है, एक ह्यूज बहुत बड़ी जलने वाली मतलब लाइट प्रोड्यूस करने वाली बॉल है, किसकी, गैसेस की बनी हुई। वो स्टार्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियन से भी ज्यादा होते हैं स्काई में। अगर हम एक जगह पे खड़े हो तो हम कितने स्टार्स दे सकते हैं, 2500 मतलब 2500 स्टार्स सिर्फ एक प्लेस पे खड़े होकर देख सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि पूरे यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स होंगे, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ द सन इज यूजफुल फॉर अस, सन हमारे कैसे यूजफुल है। विदाउट द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, सन गिव अस हीट एंड लाइट एनर्जी, इट आल्सो कॉजेस द वेदर ऑन अर्थ। बगैर सन के, बगैर सूरज के कोई लाइफ अर्थ पे हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि सन हमें हीट देता है, गर्माहट देता है और रोशनी देता है हमें, और इसके जरिए ही, सन के जरिए ही वेदर में चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज एन ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है। ऑल प्लैनेट, सैटेलाइट एंड मून मूव इन अ पाथ अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। सारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और मून जो है एक पाथ में मतलब एक जगह पे जो है मूव करते हैं सन के अतराफ, उस पाथ को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी डेज अर्थ टेक्स टू ऑर्बिट द सन, कितने दिन लगते हैं अर्थ को सन के अतराफ चक्कर लगाने, मतलब ऑर्बिट का मतलब एक खास किस्म की जगह है उस पर वो पूरा सन के अतराफ घूमता है, जैसे कि हम तवाफ करते हैं ना, एक खाने का वह है उसके अतराफ हम पूरा चक्कर लगाते हैं, इसी तरह से सन के अतराफ अर्थ पूरा चक्कर लगाता है। आंसर, अर्थ टेक्स 365.25 डेज टू ऑर्बिट द सन, जो एक हमारी जो अर्थ है, हमारी दुनिया जो है वो 365.25 डेज लेते हैं एक और सन को के अतराफ चक्कर लगाने के लिए, उसको हम पूरा ईयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म, डे और नाइट, दिन और रात कैसे होती है। अर्थ स्पेंड इन 24 आवर्स कम्प्लीटली, देयर फोर डे एंड नाइट टेक प्लेस। अर्थ जो है जैसे मैंने आपको बताया तवाफ करते, तवाफ जैसे करते हैं हम खाने में, इसी तरह से अर्थ मूव करता है सन के अतराफ। अगर वो मूव भी कर रहा होता है उसके अलावा वो स्पिन भी कर रहा होता है, जैसे हम बॉल को स्पिन घुमाते हैं ना, जैसे ये जो है, जैसे आप देखिए इसमें इसको कर रहा है इसे स्पिन, या ऐसे स्पिन होता है, घूमता रहता है। उसके जरिए जब हम, जब जैसे फर्ज करें पाकिस्तान जो है जब सूरज की तरफ पहुंचता है घूम के, तो उस समय हमारे पास डे हो रहा होता है, और जब वो पाकिस्तान जो है और स्पिन होता है, मतलब पूरा वर्ल्ड और दुनिया जो है अर्थ जो है स्पिन होता है, तो जब पाकिस्तान जो है इस तरफ आ जाता है जहाँ पर अर्थ, जहाँ पर सन नहीं होता, तो क्या होते हो जाता है, रात हो जाती है। इस तरह से डे और नाइट जो है आते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ द मून, मेन फेजेस ऑफ द मून बताइए। द मेन फेजेस ऑफ मून आर वैनिंग क्रिसेंट, थर्ड क्वार्टर वैनिंग गिबियस, फुल मून वैक्सिंग गिबियस, फर्स्ट क्वार्टर वैक्सिंग क्रिसेंट। ये जो नाम है ये फेजेस हैं। अब आगे हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमें नाम ले रहे हैं ना, वैक्सिंग, वैनिंग क्रिसेंट, थर्ड क्वार्टर, फुल मून वगैरह, ये होते हैं असल में कैसे, ये देखिए। वैनिंग क्रिसेंट देखें, जब चांद आपको इस तरह का दिखेगा तो ये क्या होगा, वैनिंग क्रिसेंट होगा। थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में देख सकते हैं आप जो है छोटा सा हिस्सा जो है चांद का वो नहीं दिख रहा है, बाकी ज्यादा हिस्सा इस तरफ से हमें दिख रहा है, तो ये क्या होगा, थर्ड क्वार्टर कहलाएगा जो हमें इस साइड से दिख रहा है। वैनिंग गिबियस, अब देख सकते हैं आप इस तरह से जब होगा हमें चांद जब दिखेगा, मून जब दिखेगा, तो वो कौन सा इसका फेज होगा, वैनिंग गिबियस। और जब हमें फुल मून दिखेगा, पूरा मून, तो वो क्या, तो फुल मून होगा। इसी तरह से जैसे वैक्सिंग वैनिंग गिबियस था, इसी तरह से जब इसका उलट होगा बिल्कुल, मतलब इस तरफ था, अभी इस तरफ अगर देखेंगे हम तो ये क्या होगा, वैक्सिंग गिबियस होगा। इसी तरह से जब, अब देखें आप थर्ड क्वार्टर था तो वो इस तरफ से हमें दिख रहा था, अब फर्स्ट क्वार्टर है तो हमें इस तरफ से देखना चाहिए चांद, और जब हमें इस तरफ से चांद दिखेगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर होगा। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमारा फेज जो है वो क्या है, वैक्सिंग क्रिसेंट,
जैसे वेनिंग क्वेश्चन में इस हैंड साइड पे जो है हमें वो दिखा है, मून दिखा है, तो इस तरह से वेनिंग वैक्सिंग क्वेश्चन में हमें इस साइड पे हमें मून दिख रहा है। अच्छा बच्चों आप करेंगे क्या, आप जो है ना मून देख के मुझे बताएंगे या फिर अपनी कॉपी में लिख के मुझे पास भेजेंगे कि अभी मून कौन से फेज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम अपने। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग हाउ द सीजन चेंज एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। एक ऐसी डायग्राम बनाए जिसमें हमें दिखाया जाए, हमें दिखाए कि जो अर्थ का जो सीजन होते हैं वो किस तरह चेंज होते हैं जब जो है सन के अतराफ अर्थ चक्कर लगा रहा होता है। अच्छा सबसे पहले देख लीजिए, ऑर्बिट जो होता है सन के अतराफ ये एक ओवल शेप में होता है, सर्कल शेप में नहीं ओवल शेप में होता है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट करेंगे जो ये हम फेज ले रहे हैं यहाँ पर, जो हम ले रहे हैं यहाँ फर्स्ट करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान, लेट सपोज यहाँ पाकिस्तान है। तो जब यहाँ पर था तो पाकिस्तान जब यहाँ से मूव किया, जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पूरा स्प्रिंग का सीजन चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रिंग का सीजन चलेगा। लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे आएगा, तो क्या होगा, वो ये हिस्सा जो है सारा किसका होगा, समर सीजन हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ पहुंचेंगे, जब हम सन के बहुत करीब होंगे यहाँ पर, उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम यहाँ से सन जो है अर्थ जो है मूव करना स्पिन करना और स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, ऑटम सीजन आ जाएगा। लेकिन जब अर्थ यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या होगा, ऑटम सीजन एंड होना शुरू हो जाएगा और क्या होगा, विंटर सीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये पूरा अर्थ स्पिन करता हूँ यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, विंटर सीजन एंड होगा और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरा ये जो है इस तरह साइकिल एक तरह का, कि पहले यहाँ से विंटर से यहाँ पर आए, फिर स्प्रिंग कवर किया, फिर साथ समर कवर किया, तो ऑटम, इस तरह से सब चीज़ें जो है साइकिल पूरा चलता रहता है ऑर्बिट पे। सन जो है सन के ऑर्बिट्स पे जो है अर्थ जो है मूव करता रहता है। ये आप इस तरह से ही ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर लिखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 10। द सन इज अ स्टार, सन भी एक स्टार है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो सूरज है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच है, क्योंकि उसके अतराफ जो है 8 किस्म के प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, स्पिन कर रहे हैं, उसके अतराफ चक्कर लगा रहे हैं। नंबर 3, द अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। नंबर 4, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। नंबर 5, वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सम ऑफ द सन्स लाइट, हम मून को चांद को किस कैसे देख पाते हैं, क्योंकि जो मून होता है रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जैसे कि फर्स्ट करें हम एक बॉल लेते हैं, बॉल को जब हम थ्रो करेंगे तो वो जब जमीन पर जाके टिप करके वापस आएगी, इसका मतलब रिफ्लेक्ट हुई, मतलब हम नीचे भी की तो वापस हमारे पास है। इसी तरह से जो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होके जाती है मून पे, और मून क्या करता है, ग्लो करता है ताकि हमें वो नजर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम टी लिखेंगे और फॉल्स होगी तो हम एफ लिखेंगे। द सन इज बिगर देन द मून, सन जो है बड़ा है किससे, मून से। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सन बहुत बड़ा है मून से, तो हम यहाँ ट्रू लिखेंगे। द अर्थ डज नॉट मूव एट ऑल, अर्थ जो है मूव नहीं करता, नहीं अर्थ तो मूव करता रहता है हर वक्त, हर मिनट हर सेकेंड जो है मूव कर रहा होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। नंबर 3, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ रोटेट करता है अपने एक एक्सिस पे। एक्सिस से मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जो डायग्राम ड्रॉ करी उसमें पूरा ओवल शेप था सन के अतराफ, वो एक एक्सिस बना हुआ था, एक ऑर्बिट बना हुआ था, उस पर वो मूव करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नंबर 4, द सन ऑर्बिट राउंड द अर्थ ईच डे, ये बोल रहे हैं कि जो सन है वो चक्कर लगाता है अर्थ के अतराफ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सन के अतराफ सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसमें अर्थ भी शामिल होता है, लेकिन सन जो है अर्थ के अतराफ से चक्कर नहीं लगाते, तो स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। नंबर 5, ब्यूटीफुल सनसेट्स आर कॉज बाय डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोसफेयर, जो बहुत खूबसूरत सनसेट होते हैं, मतलब सूरज जो गुरूब हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्योंकि जब एटमोसफेयर में डस्ट पार्टिकल्स और पानी के ड्रॉपलेट, पानी के कतरे मौजूद होते हैं, जब वो जो है बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सनसेट हमें देखने को मिलता है। द
देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, उसमें हम चूज करेंगे और जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर हम लिखेंगे। नंबर 1, द सीजन व्हेन देयर आर मोस्ट आवर्स ऑफ सनलाइट इज समर। वो सीजन जिसमें ज़्यादा टाइम, ज़्यादा घंटे जो है सन रहता है, सनलाइट आती है, उसे हम समर कहते हैं। विंटर में ऐसा नहीं होता, ऑटम में भी ऐसा नहीं होता और स्प्रिंग में भी ऐसा नहीं होता। नंबर 2, व्हेन एवर पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन इट इज़ डे टाइम। जब हमारा अर्थ का जो, जैसे हम अभी यहाँ पर हैं तो हमारा जो अर्थ का ये हिस्सा है अगर सन की तरफ होगा तो क्या होगा, डे टाइम होगा, नाइट टाइम नहीं होगा, आफ्टरनून नहीं होगा, तो हम डे टाइम में चूज कर रहे हैं इस वजह से। नंबर 3, इफ़ यू लुक डायरेक्टली एट द सन इट कैन डैमेज योर आई साइट। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट की तरफ देखेंगे, सन की तरफ, तो हमारी आई साइट डैमेज होगी। ईयर डैमेज नहीं होंगे, ब्रेन डैमेज नहीं होगा, आई साइट डैमेज होगी, इसलिए हमने यहाँ पर आई साइट को चॉइस में लिया है। नंबर 4, सनलाइट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स टू रीच अस। सनलाइट जो होती है वो सन से हमारे पास तक आने में 8 मिनट लगाते हैं, 7 मिनट नहीं लगाते हैं और 9 मिनट नहीं लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, तो 8 यह राइट आंसर है। अब हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैच द कॉलम्स, पहले आप दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, उस कॉलम्स को पहले एक कॉलम को ए नाम देंगे और बी कॉलम को, दूसरे कॉलम को बी नेम करेंगे। फर्स्ट ए कॉलम में हम सारी चीज़ें लिखेंगे, डे, रोटेट, मून, स्फेरिकल, एयर, इसी तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू कम्प्लीट वन टर्न ऑन इट्स एक्सिस, टू टर्न और स्पिन ऑन एन एक्सिस, टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, द शेप ऑफ द सन, मून एंड अर्थ। अब मैच क्यों कर रहे हैं हम इससे, डे से हमने इसको क्यों मैच किया, क्योंकि जो है अर्थ जो है टाइम लेता है एक दिन कवर करने के लिए, तो वो हमने डे लिया, टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, पूरा दिन लगता है उसमें। रोटेट का मतलब होता है, यहाँ से हमने मैच क्यों किया, क्योंकि रोटेट का मतलब होता है एक ही जगह पे स्पिन होना, एक ही एक्सिस पे रहते हुए घूमना। मून को हमने इससे क्यों मैच किया, क्योंकि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब कुदरती एक सैटेलाइट है। स्फेरिकल क्या है, स्फेरिकल से हमने इसको क्यों मैच किया, क्योंकि सन, मून और अर्थ एक स्फेरिकल शेप के चीज़ें हैं। एयर से हमने इसको क्यों मैच किया, क्योंकि जो है टाइम एक साल लगता है अर्थ को एक पूरा एक चक्कर लगाने के लिए अपने एक्सिस पर रहते हुए सन का।